श्वेता गुप्ता। श्वेता आप किस क्लास में पढ़ती हो, किस स्कूल में? 8A3 GGIC स्कूल। अच्छा श्वेता, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की क्लास में? हमारी क्लास में प्रॉब्लम है कि हमारे स्कूल के बगल में सरकारी कॉलोनी है, जहाँ के लोग हमारे स्कूल में कचरा फेंकते हैं, जिस वजह से हम लोग को परेशानी होती है हमारी खिड़कियों। तो ये कचरा कहाँ पड़ा रहता है? खिड़कियों पर। अच्छा, उससे क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? हमारे कचड़ों का बदबू आता है हमारी क्लास में। अच्छा, और आपके देश के प्रधानमंत्री क्या नारा देते? किस क्लास में पढ़ती हो? 8th में। किस स्कूल में? GGIC। देख, क्या परेशानी है आप लोगों को क्लास में पढ़ने में, क्या दिक्कत आती है, क्या किस तरीके को? जिस क्लास में बैठे हुए हैं उसके बगल में एक सरकारी कॉलोनी है, जो लोग कूड़ा फेंकते हैं तो हम लोग खिड़की पे आके गिरता है और वो बदबू भी करता है। तो इससे क्लास में पढ़ने में दिक्कत होती है? हाँ। तो आप लोग टीचर्स से कंप्लेन करते हैं? हाँ। किससे कंप्लेन किया? प्रिंसिपल मैम से। तो क्या हुआ फिर? वो बोली मैं साफ करा दूंगी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कितने दिन से ये कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है? बहुत सालों से ऐसे ही है। जैसे कि प्रधानाचार्य कुमुद श्रीवास्तव, इन पीछे जो है हमारे 6 से 8 तक के बच्चे बैठते हैं उधर सरकारी बिल्डिंग के माने बाउंड्री की ओर, सरकारी बाउंड्री की ओर बैठते हैं, जिसे पीछे सरकारी आवास है, जिसे कूड़े कचरे बहुत अधिक फेंके जाते हैं हमारी बाउंड्री के भीतर। एक बार मैं सफाई भी करवा चुकी, फिर दोबारा भी मैंने लिख के भेजा, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। और बच्चे जो है खिड़कियों पे कूड़े कचरे पड़े रहते हैं, जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं और संक्रमण का भी डर है, मच्छर भी बहुत लगते हैं, जिसके कारण उधर की ओर और बच्चे जो है वो स्वस्थ रहे, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि ये जो है कूड़ा कचरा लोग फेंकना बंद करें। तो आपने कहीं कंप्लेन किया मैम कि इसकी सफाई के लिए? हाँ, नगर पालिका में भी कर दिया और DM के यहाँ भी भेज चुके हैं, कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई। पहली बात तो सरकारी कॉलोनियाँ में बहुत जिम्मेदार पद पर लोग हैं, सरकार के पास नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मुंशी नगर विद्यालय में कूड़ा फेंका जा रहा है, इसकी सूचना प्राचार्य महोदय को देना चाहिए। और एक चीज़ और बताएँ, जैसे कूड़ा जब मान लीजिए कहीं वहाँ पर कचरा वगैरह है, काशी स्टाफ वगैरह सब लिखे हैं, उनके द्वारा अगर सड़क पर कर दिया जाता है, तत्काल उठवा लिया जाएगा। और उनके यहाँ पर्याप्त स्टाफ भी हैं, इस संबंध में सफाई का एक जागरूकता भी उनको फैलानी चाहिए। और अपने आसपास विद्यालय पहले तो आंगन वगैरह गुरुकुल वगैरह रहते थे, जहाँ पर भी इस तरह के कौन से विद्यालय वगैरह रहते हैं वहाँ साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होती है, उनका इंटरनल पार्ट होता है, जो कि वही आगे चल करके एक अच्छे नागरिक बनते हैं। इस तरह से वहाँ के विद्यालय के जो प्राचार्य हैं या जो उनसे प्रबंधक हैं या इस तरह के मिशनरी हैं, उनको इस संबंध में एक्शन लेना चाहिए।